और दुलारी लग रही है हमारी वैगनर। ओ नई वैगनर आ गई। ओ तेरी मस्त मस्त दुनैन मेरे दिल का ले गई चैन। ओ मेरे दिल का ले गई चैन तेरे मस्त मस्त दुनैन। ओहो ओ मजा ही आ गया। कजरारी कजरारी ओ तेरे काले काले। मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में तो कैसे हैं आप लोग? खुद कर तो सब बढ़िया होंगे, मजे करेंगे। तो मैं आपका प्यारा जिमी आ चुका हूं दोस्तों आप सबके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके। जनक दिखना आजा एक बार, आजा आजा। चलो ठीक है, नाच गाना तो बहुत हो गया दोस्तों। फिलहाल भाई मैं हूं अपने प्यारे शोरूम और लेके आ चुका हूं दोस्तों आप सबके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके। बिल्कुल सही, इसी बात पे ठोक दो ताली। क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली। बिल्कुल सही दोस्तों, फिलहाल आप देख सकते हो फॉक्स इंपोर्ट्स में मैं आ चुका हूं नई नई गाड़ी की डिलीवरी लेके। बल्ले बल्ले क्योंकि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। खुश होने का रीजन क्या है वो तो मैं आप लोगों को बता दूँ। खुश तो देखो भाई आप लोगों ने करा मुझे, उसके पीछे का रीजन भी आपको बता दूँ। चलो बता देते हैं यार, वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देते हैं। तो फाइनली 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 आप अंदर जो वैगनार देख रहे हो, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा कि भाई हमने अपनी जो नेक्सोन थी उसकी डिलीवरी दे दी थी। लेकिन एक अंकल वैगनार लेने के लिए आए थे, पर अंकल को वैगनार काफी ज्यादा पसंद आई थी, पर उनकी जो लुगाई है बोले तो उनकी घर वाली धर्म पत्नी, उन्होंने अंकल को धमका दिया अगर तू गाड़ी लेके आया ससुर को घर पे नहीं आने दूंगी। तो अंकल को भाई उदास होकर जाना पड़ा। और मैंने आपको एक लाइक टारगेट दिया था, बिल्कुल सही दोस्तों आप लोगों ने वो लाइक टारगेट पूरा करा। और अब आज हम वो काम करने वाले हैं जो हमने अभी तक आज तक नहीं करा है। बिल्कुल सही, बताऊंगा क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन उससे पहले ये जो आप देख रहे हो, देखो भाई आपकी वाली गाड़ी ना हमने ऑर्डर पे लगवा दी है। जब भी गाड़ी आएगी आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, आप दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना। और हाँ, अपने आसपास कोई इंडियन कार लेने में किसी को कोई भी गाड़ी लेनी हो या सर्विसिंग भी करवानी हो हम यहाँ पे करते हैं। अंदर कार यहाँ खड़ी है, आप कोई ऑर्डर करवाओगे तो वो गाड़ी अभी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर जी, आपकी गाड़ी की बुकिंग हमने कर दी है। अगर आप चाहो तो शाम तक आ जाना, पेपर वर्क हो जाएगा। बाकी आपने कहा कल आओगे तो ठीक है, कल डिलीवरी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाई ये गाड़ी की डिलीवरी बुकिंग करवा के गए हैं और गाड़ी की टेस्ट आईडी उन्होंने पूरी ले ली है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा तरीके से सारा मामला पानी हो रहा है। बस ये यहाँ से चले जाएंगे और अंदर का क्या माहौल है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बुकिंग वगैरह हो रखी है अपनी और गाड़ियों की भी। आज एक डिलीवरी भी होनी थी लेकिन वो अंकल आए नहीं भाई जिनको डिलीवरी देनी थी, क्योंकि बाहर का मौसम इतना सुहाना है, क्या ही बोलूँ, इतना सुहाना हो चुका है मौसम, दिल गार्डन गार्डन हो गया दोस्तों मेरा मौसम देख के। तो आप देखो ना क्या ही प्यारा मौसम, काफी टाइम बाद इतना प्यारा मौसम देखा है भाई मैंने। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा भाई, लेट्स गो। अपनी i10 को तो देखो हम बाद में साफ करेंगे दोस्तों। ठीक है, i10 मैली मेरे को काफी अच्छी लगती है। अब बात करें अंदर का, तो ये पैसे वगैरह ना दोस्तों ये मैं अंकल को दे रहा हूँ क्योंकि अंकल जाएंगे बैंक। बिल्कुल सही, जो सारे पैसे हमें गाड़ी अपनी बेच के जो मिले हैं मैंने अंकल को देने, और अंकल ने कहा ठीक है मैं बैंक जाऊंगा जमा करा दूँ। और जैसे ही अंकल को बोला कि हमें एक ऐसा बहुत तगड़ा सरप्राइज देने वाले एक बंदे को, तो अंकल ने बोला फ्री सर्विस मैं करूँगा, फ्री टायर मैं डाल के दूंगा। बिल्कुल सही दोस्तों, हमारी जो वैगनर है ना इसकी फ्री सर्विस हो चुकी है और इसमें टायर भी नए डले हैं। बिल्कुल सही, उसके भी अंकल ने कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए। अंकल ने कहा कि यार जिमी एक को एक के लिए तो हम इतना कुछ कर ही सकते जब इतना कमा रहे हैं। मैंने कहा अंकल जी आपकी बात बिल्कुल सही है। तो हाँ दोस्तों हम जा रहे हैं इस गाड़ी की, बता दूँ, चलो बता देता हूँ। तो गाइस ये गाड़ी हम एक को गिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं। बस इस गाड़ी में फ्लावर वगैरह लगाने, थोड़ी सी ये गाड़ी सजानी है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गाड़ी कैसी लगती है कैसी नहीं। ठीक है, फ्लावर वगैरह थोड़ी देर में आने वाले, इसीलिए मैं अभी तक रुका हूँ, नहीं तो मैं निकल भी जाता। ओ बल्ले बल्ले, उलाला उलाला, चुनाना चुनाना, तू है बड़ी फैंटेसी। उलाला उलाला, चुनाना चुनाना, अब मैं जवा हो गई। काफी ज्यादा खुश हूँ दोस्तों आज, बिल्कुल काफी ज्यादा खुश हूँ इस चीज को लेके कि हम एक ऐसा काम करने वाले हैं जो हमने अभी तक नहीं करा है। अब देखो इंडियन कार शोरूम तो चलो हमने खोल दिया, अब बाइक शोरूम हमारा है, नहीं तो मैं एक ऐसा बाइक शोरूम भी खोल देता। पर पिताश्री का कहना यह है कि हम उसी बाइक शोरूम में इंडियन बाइक भी रख लेंगे, तो अलग से बाइक शोरूम नहीं खुलेगा कोई सा। बिल्कुल सही दोस्तों, नहीं तो मेरा तो काफी ज्यादा मन था और मैं वेट कर रहा हूँ वो फूल लेके आ जाए बंदा जिससे हमने फूल ऑर्डर करवाया। भाई वो फूल ही नहीं लेके आ रहा भाई, पता नहीं कहाँ गया वो पतासा था। अरे यार अभी लजाट ने ट्राला पूना है और अंकल ये क्या ले? अरे अरे अंकल रुक जा, अरे गिर जाऊंगा मैं, मजाक कर रहा था। जनक दिखना आजा एक बार, आजा 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 आजा। चलो ठीक है निकलते हैं दोस्तों यहाँ से, अंकल गुस्सा हो जाएंगे। भाई ये कहाँ रह गया वो फूल वाला सुअर, आ ही नहीं रहा भाई। अरे तेरी भैंस की डैट सुअर कहीं की, इसकी इतनी हिम्मत मेरे को गिरा के गया तेरी भूतनी के, ले रखी होगी तूने लंबी गाड़ी। हमारे पास भी इंडियन कार शोरूम है, देखो ओ तेरी भैंस की, ये डर गया गाइस कोई बदमाश आ गया। तेरी भैंस की डैट, अरे ट्रक में क्यों ठोक रहा है सुअर, बाहर निकलना है तेरी सासू की जय हो। भाग गया भाई ये बंदर, नहीं तो मेरे को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया इस पे। अब वेट करते फूल वगैरह लगाते और फिर आप लोग
लोगों से मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, लेट्स गो। अब आएगा असली मज़ा। अरे अंकल जी, हम ना जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम हम लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये कैश सबमिट करवा के चाबी मैंने आपको दे ही दिया, जब आप जाओगे तो शोरूम के ताला लगा देना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेन रोड पे है तो इतना कोई दिक्कत होएगी नहीं, बाकी मैं और जिग्गू निकलते हैं यार, क्या पता वो घर पे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, ये सारा कैश पर जमा करा देना, हमारे अकाउंट में पैसा होना चाहिए आज। हाँ, तो फाइनली दोस्तों यहाँ का सारा काम हो चुका है। एक मिनट, गाड़ी भी तो निकालनी है, बिल्कुल हमने गाड़ी रेडी कर दिया, दिखा दूँ आपको, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा बना आपको दिखाने का, और आपको दिखा भी दूँगा। टन 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 तारा, ऐसा लग रहा है बैंगलोर शादी में जा रही हूँ, आज शादी है मेरी। पो 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 पो, नहीं नहीं मेरी शादी में नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, पर ये अंकल को हम गिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं, और हमने एक्स्ट्रा ही सजा दिया। हालांकि आज तक हमने ऐसे कोई फूल वगैरह अपनी गाड़ी में लगाए नहीं है दोस्तों, आप लोगों को भी पता है, लेकिन आज हमने लगा दिया। मैं कहा ट्राई कर लेते हैं, अच्छे लग रहे हैं वैसे, इतने भी बुरे नहीं लग रहे हैं नहीं। और भाई वैगनर सही में पूरी चमका दी है, क्या प्यारी लग रही है, और अंकल को सरप्राइज हुआ, कितने खुश होंगे भाई। चलो ये सब तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले गाइस गाड़ी को निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि मेन चीज़ तो वही है ना, इस गाड़ी को निकालना। सब काम करवा दिए गाइस, वैगनर में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें भी थी ना, वो भी हमने ठीक करवा दी, और देखना क्या प्यारी लग रही है। ओ माय गॉड, लुकिंग गॉर्जियस। भाई जिग्गू बैठ जा, लेट्स गो। जिग्गू भी बैठ गया दोस्तों, और हम दोनों ही जा रहे हैं। ओ भाई गाइस, देख सकते हो हमारी वैगनर। ओ भाई सही में ऐसा लग रहा है कि निकलवा के लेके आए, देखना कितनी प्यारी, भाई कितनी प्यारी और दुलारी लग रही है हमारी वैगनर। ओ नई वैगनर आ गई। चलो भाई निकल गया दोस्तों इस वैगनर को लेके, और जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में ना, हमने उनका एड्रेस वगैरह तो ले लिया था, तो सैंडी शोर से आगे की साइड जो उनका घर का हमें भाई रास्ता वगैरह अभी हमने जो मैप पे डाला है वो पता चला है। सैंडी शोर की साइड ही आप कह सकते हो, बस थोड़ा सा आगे है दोस्तों। अब देखना ये है कि वो घर पे होंगे या नहीं होंगे, क्या पूरा सीन होगा, बस मेन बात वही है दोस्तों, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटली गाड़ी रेडी है। ये धन्नो उन्हीं के लिए ही आई थी मेरे को तो लग रहा है। देखो आप लोगों ने चैलेंज पूरा करा तो हम उनको ये गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, और ऐसी चैलेंज ना हम और रखा करेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी एक चैलेंज हम ये रखते हैं, अगर आप इस वीडियो में 200 लाइक कर देते हो, क्योंकि काफ़ी डिमांड बुलेरो की आ रही है, तो हम बुलेरो लेके आएंगे अपने शोरूम के लिए, बिल्कुल सही दोस्तों। तो 200 लाइक जल्दी जल्दी, और बुलेरो आप सब लोगों के लिए आ जाएगी। ओ बल्ले बल्ले, उछावा छावा। बाकी गाइस देख सकते हो अपनी वैगनर ना चल एक नंबर के लिए, और मैं इसे हाईवे से नहीं लेके जा रहा, ठीक है। ये अंदर वाला रोड काफी खाली है, और मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना आज का, आप भी बोलोगे कि भाई क्या प्यारा मौसम है कसम से। और स्पीड देखो वैगनर की, 160 की स्पीड में भगा रहा हूँ, बिल्कुल स्मूथली चल रही है। और इसकी ब्रेक दिखाऊं मैं आपको, इसके ब्रेकिंग पे भी हमने काम करा है, ये देखो सीधे ब्रेक एक ही बारी में लग गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। भाई बहुत तगड़ी ब्रेकिंग कर दी अंकल ने इसकी, एक नंबर की गाड़ी बना दिया दोस्तों ये सही में यार। और काफ़ी लोग ना ये भी पूछ रहे थे मेरी स्विफ्ट कहाँ है आखिरकार, ठीक है दोस्तों, मेरी स्विफ्ट का अपडेट मैं आपको कल की वीडियो में दूंगा, तो देखना जरूर मेरी कल की वीडियो, क्योंकि आखिरकार मेरे पास खुद की स्विफ्ट है वो है का यार। काफ़ी मेरा ना मन तो है इस वैगनर के साथ ऑफ रोडिंग करने का, पर ये हम किसी को दे रहे हैं, हम और गाड़ियों के साथ ऑफ रोडिंग जरूर करेंगे। तैयार हो जाओ, हर एक गाड़ी की ऑफ रोडिंग वीडियो आया करेंगे जितनी भी हम ले रहे हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि हर गाड़ी की टेस्टिंग जरूरी है आप लोगों को दिखाने के लिए भी। और एक गाड़ी के ना हमारे पास मॉडिफिकेशन की डिमांड भी आई है दोस्तों, कौन सी गाड़ी है वो आपको दिखा दूंगा ना, आप बोलोगे ओ माय गॉड जिमी ये क्या वाली गाड़ी लिया है, तो क्या खूबसूरत गाड़ी लिया है, ये बोलोगे आप 101%। देखो सैंडी सोर्स तो हम मोस्टली पहुंच चुके हैं दोस्तों, अब देखना ये है कि उनका घर किस साइड है, क्योंकि सैंडी सोर्स की एंट्री अपनी हो चुकी है दोस्तों। और ड्राइवर अंकल जी को मैंने बोला था, अंकल जी आप इसे जानते, तो अंकल तो जानते नहीं है, पर देखना ये कि उनका घर आखिरकार है तो है कहाँ। सैंडी सोर्स में पहुंच गए हैं, और अब मेरे को ना किसी से पूछना पड़ेगा वो एड्रेस दोस्तों, ठीक है, नहीं तो और कुछ हम कर नहीं सकते। और कोई दिख भी तो नहीं रहा रोड पर ससुरा सैंडी सोर्स में, एक तो पूछने में भी डर लगता है भाई, यहाँ लोग बदमाश रहते हैं सबसे पहली बात तो दोस्तों। किससे पूछूं, कोई भी नहीं दिख रहा भाई, ये सैंडी सोर्स ससुरा इतना सुनसान क्यों है बे, ये देख रहे हो दोस्तों अलग ही ना, पूरा सुनसान पड़ा ये सैंडी सोर्स, पूछूं तो पूछूं किससे। अरे भूतनी वालों कहाँ गए सैंडी सोर्स वालों, तुम्हारी बुआ की शादी है क्या जो भगली है तुम, भूतनी वालों कोई भी नहीं दिख रहा दोस्तों, कोई भी नोट इवन अ सिंगल पर्सन भाई, कोई भी नहीं है भाई, भाई सैंडी सोर्स है क्या है, देखना पूरा खाली हो गया दोस्तों, कोई भी नहीं दिख रहा। अब मैं इस साइड आ चुका हूँ, क्योंकि इस साइड थोड़ी बहुत दुकानें हैं, देखते हैं इस साइड कोई है। यार लो भाई इतना सन्नाटा क्यों है सैंडी सोर्स में भाई, बिल्कुल सन्नाटा है, ये दुकान भी बंद है भाई। अब मैं किससे पूछूं यार, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। एक मिनट गाइस, गाड़ी यहाँ खड़ी करता हूँ और किसी से पूछता हूँ मैं उन। अरे हेलो अंकल जी, रोकिए एक बार, अरे सुन तो सही, अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ पूछना आपसे, कुछ पूछना है, सुन तो लो। यहाँ पे जो अंकल जी हैं,
हाँ, भुजिया लाल, भुजिया लाल, भुजिया लाल नाम है उनका। आप जानते हो क्या भुजिया लाल को? यार ये अंकल तो जानते ही नहीं है यार भुजिया लाल को दोस्तों, अब क्या करें यार। अरे जानते होंगे अंकल जी, और तेरी भैंस की टैट सुअर कहीं के भुजिया लाल का एड्रेस नहीं बताना तो ठोकना जरूरी है। अरे ये तो बदमाशी करने लग गया, मैंने कहा था सैंडी चोर्च में सारे बदमाश रहते हैं। अरे भुजिया लाल का एड्रेस बता, तेरी भूतनी क्या मेरे को हल्क में ले रहा है? जब पूछा भुजिया लाल का एड्रेस बता दे, नहीं पता तो मना कर दे। अकड़ कैसे रहा भूतनी के? हल्के में मत ले लियो, जिमिटी सेंटो माइकल का लड़का, हल्के में मत ले लियो, नहीं तो पूरी बदमाशी पूरा लो सेंटोस ना गोली गोली मार मार के तबाह कर दूंगा। हाँ यार बड़ा तो चले जाओ, आप चले जाओ यार, हम मैं भुजिया लाल को यार मेरे ख्याल से ये जानते होंगे। भुजिया लाल को जानते हो क्या अंकल जी? हैं? अरे यार अंकल भी कह रहे हैं भुजिया लाल, सुना तो है पर पता नहीं है। अरे अंकल जी गुस्सा क्यों हो रहे हो? जाओ फिर, जाना है तो यार। हाँ चल, हाँ लेट्स गो दोस्तों, यार हम अपनी वैगनार में चलते हैं। अरे अंकल, अरे यार गाइस ये क्या ही सीन है। अरे भैया बचा लो अंकल, मुझे पीटने हैं, भैया बचा लो ना। अरे यार ये क्या ही सीन है गाइस, ये देख सकते हो यार सारे लोग बदमाश है, सैंडी सोर्स के भाई बुड्ढे तक बदमाश है दोस्तों। मेरा पीछे पड़ गया ताऊ, अरे ताऊ मन ना छोड़ दे, मन ने क्या कर दिया। अरे एक तुम अच्छा काम करने के लिए जा रहा हूँ, लोग मुझे पीटने लग रहे हैं दोस्तों। चलते ताऊ को अच्छा समझ रही, ताऊ को दिखेगा नहीं दोस्तों। ये ले ताऊ, किसी और से एड्रेस पूछना पड़ेगा, मैं चलता हूँ और पूछता हूँ किसी से एड्रेस और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। भाई यहाँ तो अलग ही सीन हो चुका है, बिल्कुल सही दोस्तों। जिग्गू बैठ, जल्दी जल्दी बैठ इससे पहले कोई और आ जाए दोस्तों। भुजिया लाल अंकल जी का एड्रेस कहाँ है? भुजिया लाल, ये भुजिया लाल अंकल के चक्कर में गाइस हमें बहुत गुस्से खाने पड़ गए कसम से। अरे हाँ जी आंटी जी, सही में अंकल जी ने हमें कोई पैसे नहीं दिए हैं, वो हमारे शोरूम में ना स्कीम है, हम एक गाड़ी देते हैं गिफ्ट में, ठीक है, तो इसीलिए अंकल सिलेक्ट हुए और अंकल को हमने गाड़ी दे दिया। अंकल का अकाउंट भी चेक कर लेना, अंकल जी से कोई पैसे हमने लिए। तो ये रहे अंकल जी, और ये रहे अंकल जी की लुगाई जिससे अंकल जी काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। तो आंटी जी ने भाई मेरे को भी पकड़ लिया था लाठी लेके, तो गाड़ी लेके कैसे आया? मैंने इन्हें समझाया हम फ्री में दे रहे हैं। आंटी भी अब थोड़ी सी खुश दिख रही है दोस्तों, यार अंकल काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और अंकल की खुशी देख के आंटी भी स्माइल कर रही है। क्या बात अंकल जी, मैं गाड़ी अंदर लेके आता हूँ, हाँ फिर सेलिब्रेशन करता हूँ, ताली बजा के खींच के रखो। और अंकल जी ने मुर्गियाँ रखी हुई है, देख रहे हो दोस्तों? ज्यादा मत बोलने, हाँ जिग्गू बोल रहा है तू भी मुर्गा ही लग रहा है, ये देख रहे हो दोस्तों मेरे साथ कॉमेडी कर रहा है। मेन सीन ये है दोस्तों, अब इन गाड़ियों को ना हम क्या करने वाले, इसको अंदर लेके जाने वाले। अंकल ने यहाँ गेट बंद कर रखा था, अब अंकल ने गेट खोल दिया, कह रहे जिमी अंदर ले आ। लेट्स गो दोस्तों, अंदर लेके जा रहे हैं, अब इस गेट से ये गाड़ी जाएगी या नहीं देखना तो ये है दोस्तों। अरे अंकल जी आपके दो मुर्गे रोड पे घूम रहे हैं, देख लेना इसे, देख सकते हो दोस्तों अंकल जी की गाड़ी हम लेके जा रहे हैं अंदर की साइड। ओ भाई फाइनली आराम से चलेगी, बता ये वैगनार जितनी जगह थी भाई। अरे अंकल नई गाड़ी के वक्त से आंटी, यार आप भी कब तक भी सैड रहोगी? सही में अंकल ने कोई पैसे नहीं दिए नई गाड़ी की खुशी में, हो जाए थोड़ी पार्टी साटी, क्यों करता पार्टी साटी ए वाई। जिगू लगा सोता पानी जो हम लेके आए, अंकल जी तैयार हो जाओ, आपके धन्नो इज हेयर जो आपको पसंद थी, क्या बात है, मुबारक हो मुबारक हो। पहले तो ये मुबारक देखो, मैं एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, मैं अंकल जी के साथ आपको एक बार तसल्ली से दिखाता हूँ। देखो अंकल जी ये सब हुआ है जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा अंकल जी को ये गाड़ी गिफ्ट देनी चाहिए, तो मैंने आपको ये गाड़ी गिफ्ट करी, तो उनको थैंक यू कहना, ठीक है आंटी जी? अंकल ना कोई पैसा ना दिया, क्यों दुखी हो रहे हो? हाँ लेट्स गो दोस्तों, तो चलो सेलिब्रेशन की तैयारी करते, लगा जिग्गू बम पटाखे, ससुर पार्टी कर दे आज हार्ड, पता चले सैंडी सोर्स में अंकल ने गाड़ी खरीदी है। मुबारक हो मुबारक हो अंकल आंटी, मुबारक हो आपको आपकी नई गाड़ी की, मुबारक हो मुबारक हो। ससुर एक अनार क्या फूस लेके आया क्या? चला ही नहीं गाइस, एक अनार फूस निकला, पर चलो कोई नहीं। मुबारक हो अंकल आंटी को, मुबारक। एक सेकंड, हाँ अंकल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खींच भाई जिग्गू तू खींच मेरी फोटो जल्दी जल्दी। तो गाइस देख सकते हो अंकल आंटी को नई गाड़ी की बधाई दे दी, और मैं अंकल जी के साथ इसलिए खड़ा हूँ, आंटी से मेरे को डर लगने लग गया, अंकल जी को तो लगेगा ही लगेगा जो रोज साथ में रहते हैं। और डिलीवरी की हम फोटोज वगैरह खींच रहे जो कि हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। ओह मुबारक हो मुबारक हो आंटी जी, मुबारक हो नई गाड़ी की, मुबारक हो। अब आलू सब्जी इसी में लेके आना, खींचो खींचो फोटो, खींचो फोटो, आदर जिग्गू अच्छे तरीके से खींच, स्माइल खींच, आंटी के साथ फोटो खींच। ओ ये क्या बात है दोस्तों, अलग ही मजा आ चुका है। अंकल जी को हमने नई गाड़ी दे दी, अंकल जी राजी, आंटी जी राजी, ओ ये मजे ही आ गए दोनों को दोस्तों, देख सकते हो। और मुझे भी काफी ज्यादा मजा आ गया इनको ये गाड़ी गिफ्ट करके, इतनी डिलीवरी में मेरे को कभी मजा नहीं आया जो इसमें आ रहा है, सही में नेक्स्ट लेवल मजा। और जिग्गू फोटो खींच रहा है, इसीलिए ही मैं इसे लेके आया था। आंटी चाय पिला दो अब तो, लेट्स गो। अरे नहीं नहीं अंकल जी, हम
चले जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आंटी को संभालो भाई, आंटी ने कुछ ज्यादा ही पार्टी मना ली। गाइस गाड़ी की देख सकते हो, अंकल मैं और जिग्गू भाई मस्त कॉफी पी रहे हैं और आंटी का शौक तो देखो बोतल उठाना ही है, इतनी पार्टी का मन कर गया आंटी का। अरे रे अंकल सही में अच्छे सही डरते हो ऐसे आंटी से, आप सही बोलूं तो भाई अपन ने यहाँ से निकलना है दोस्तों, रोहन अंकल को फोन कर दे, वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं। और अंकल भाई हमें बदले में बताओ क्या कह रहे हैं, अरे आंटी इतनी क्यों पी लेती हो पार्टी गाड़ी लेने की खुशी में, मतलब गाड़ी तो हमने गिफ्ट करी है पर फिर भी देख सकते हो आंटी से संभला नहीं जा रहा, अंकल साइड में खड़े हैं दोस्तों, क्या ही बोलूं यार अलग ही मजे देख रखे हैं मैंने। हाँ अंकल ना गाइस अपनी मुर्गी के अंडे हमें दे रहे थे, ले जिमी खा लियो मुर्गी के अंडे, अंडा खा लियो यार, मैं अंडे खाता ही नहीं दोस्तों यार, हाँ संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, गाना जरूर गा लेता हूँ पर मैं अंडे खाता नहीं हूँ अंकल, फिर मुर्गी दे रही है दो मुर्गी ले जा, मैंने कहा अंकल जी मैं क्या करूँगा मुर्गी का, आप मजे लो आऊंगा कभी तो दोबारा अंकल आंटी से जरूर मिलूंगा, काफी ज्यादा मजा आ गया पर आंटी ने कुछ ज्यादा ही घूट लगा लिया दोस्तों, तू आ जा भूतनी का, आंटी आ गई ना मूड में तेरा पीट पीट के मोर बना देगी, जिग्गू पूरे मजे ले रहा है गाइस, चाय मस्त बनाई आंटी ने जो भी बोलो दोस्तों। तो ठीक है आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, काफी ज्यादा मजा आया आज की वीडियो में, मेरे को तो नेक्स्ट लेवल का मजा आया अंकल आंटी के साथ बातचीत करके, इनको गाड़ी का सरप्राइज देके, आंटी ने तो लट उठा लिया था जैसे ही मैं गाड़ी लेके आया, फिर जब हमने इन्हें समझाया ये गाड़ी फ्री की है गिफ्ट दे रहे हैं हम, तब जाके आंटी मानी है दोस्तों, पर जो भी बताओ नेक्स्ट लेवल का मजा, मुर्गा दे रहे हैं हमें भाई, मुर्गा नहीं लेना दोस्तों, अपना फार्म फूम खोलेंगे वहाँ मुर्गे जरूर रखेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा दोस्तों आपसे अगली एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, ठीक है तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टाटा, चंगा फिर अगली घड़ी। बिल्कुल सही दोस्तों आप लोगों को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, और 200 लाइक्स मैंने बोला बुला रहा हूँ 101% आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे कैसे भी करके, बेशक मुझे खुद इंडिया जाके लेके आनी पड़े, लेके जरूर आऊंगा, तो फटाफट टारगेट पूरा कर देना दोस्तों, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आप सबको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू टाटा, चंगा फिर अगली घड़ी मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलता हूँ मैं, चलता हूँ इससे पहले आंटी लट उठा ले, बाय बाय, लेट्स गो।